तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक्सेल का यूज कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितना तरह का फॉर्मूला है, क्या क्या उसके कंसेप्ट है, हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर शेयर कर रहा हूं और हम बात स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। जी हाँ, क्या होता है, सिंपल सी बात जानिए, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, मुझे इन दोनों के बीच में अगर प्लस करना है तो जाहिर सी बात है कि हम सम फॉर्मूला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ हमने सम का यूज किया। दूसरा होता है इसमें प्लस कर देंगे तो भी रिजल्ट आता है। जो हमने प्लस किया ये मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो इनबिल्ट फॉर्मूला हमारा लिमिट होता है, बट ऑपरेटर हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो कितने तरह का ऑपरेटर होते हैं एक्सेल में, होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड पावर, ये पांच तरह के होते हैं। अब चलिए इसका हम यूज आपको समझाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस ऑपरेटर का। एग्जांपल, हमारे पास क्वार्टर वन है और यहाँ पास क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन जो है 50 है, क्वार्टर टू हमारा 60 है। मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए हो सकता है एक्सेल में फॉर्मूला हो या नहीं हो, लेकिन हम मैथमेटिकल एक लॉजिक को फॉलो करते हैं कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो चलिए इसी मेथड को हम करते हैं। तो यहां हम करते हैं लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब एंटर मारेंगे तो यहां पर रिजल्ट नहीं आएगा, गलत आएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास मेथड की अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा देन माइनस होगा, बट मेरा कैलकुलेशन कहता है फर्स्ट माइनस देन डिवाइड, तो इसलिए हम यहां पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया। अनदर एग्जांपल आप देखें, तो हमारा तो एग्जाम्पल यहां है कि प्रिंसिपल है मेरे पास 50,000, रेट है 10% और टाइम है मान लीजिए 5 ईयर। मुझे यहां अमाउंट निकालना है, कैसे निकाले, हालांकि इसके लिए फॉर्मूला है, फिर भी मैं अपना मैथमेटिकल रूल्स को यूज करना चाहूंगा। तो मैथमेटिकल रूल्स कहता है कि अमाउंट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाई N। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो अब प्रॉब्लम होता है कि इतना लंबा कैलकुलेशन करें कैसे, हो सकता है बीच में कोई डिवाइड या ब्लैंक वगैरह छूट सकता है। तो यहां पे हम इसको तोड़ेंगे, जैसे कि 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, तो हम सबसे पहले आर डिवाइड बाई एन मतलब कि 12, मतलब कि मंथली है इसलिए 12, ईयरली होगा तो 1, डेज होगा 365। फिर यहां पे इक्वल 1 प्लस हम देंगे, तो हमने 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन कर दिया, देन पी मल्टीप्लाई बाई एन मतलब कि टाइम को मल्टीप्लाई बाई 12 कर देते। फिर इन दोनों का पावर है तो इन दोनों का पावर हम दे देते हैं। आफ्टर दैट हम पी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट हमारे सामने है। अब एक चीज देखिए, नया चीज कि एक लंबी कैलकुलेशन को हम एक सेल में करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम उसको वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट सेल में करेंगे। अब यहां पे नया फाइनल रिजल्ट आ गया है।
पर प्रॉब्लम है कि मैंने इस रिजल्ट के लिए इतने फालतू कॉलम स्टार्ट से हमने चूज किए, हमें रिजल्ट यहाँ एक सेल में आना चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो हम इसमें करेंगे कॉपी पेस्ट। तो ये देखिए C13 से लिंक है, C13 पे आते हैं तो C13 पे क्या है, फॉर्मूला है। C13 पे C13 का फॉर्मूला इक्वल के बाद हम कॉपी करके स्केप मारेंगे। यहाँ पे जहां C13 है वहां ब्राइट में पेस्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट रखें, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कीजिएगा। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये जो सेल है इन दोनों से लिंक है, तो हम इसका फॉर्मूला लेते हैं इक्वल के बाद, हम इसको कॉपी करते हैं तो D13, और जहां हमारा D13 है वहां ब्रैकेट में हम उस फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, तो वापस हम इस पे आते हैं B12 पे, हम इसको कॉपी करते हैं और जहां हमारा यहाँ पे E13 है वहां पे हम ब्रैकेट में पेस्ट कर देते सकता हूं, फिर वापस हम इस पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम F13 के जगह पे F13 कट किया इसको X, और जहां रखना है वहां हमने डाल दिया, हमने कट करके डाला, कॉपी मत भी कर लीजिए, कॉपी कीजिएगा तो क्या होगा, आपका जो ये है रेफरेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा। सो कट एंड पेस्ट। कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे, वो बोलेंगे सर इतना झमेला करने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट ही लगा सकते थे। लेकिन एक तरीका है, एक और एग्जांपल बता रहा हूं जहां आप बोलेंगे कि सही फॉर्मूला मर्जिंग बहुत ही बेहतरीन है। जांच देखिएगा, एक कंपनी का प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 रुपीज है, मुझे MRP निकालना है। MRP के लिए बोलता है कंपनी की मेरा जो कॉस्ट है उसका 5% मैं अपना मार्जिन रखता हूं और अपने लागत में ऐड करके हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं अपने लागत का 10% लेता हूं, अपने लागत का, नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर के लागत का, और उसमें हम ऐड करते हैं और हम पास आउट कर देते हैं। उसने कहता है कि मेरी जो खरीद पड़ती है उस पे मैं 15% का मार्जिन रखता हूं और हम पास आउट कर देते हैं किसको, रिटेलर को। रिटेलर कहता है कि मेरे खरीद पे 20% का हम मार्जिन रखते हैं और हम कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इज द फाइनल MRP, लेकिन मुझे ये चीज 79 यहां पे चाहिए एक सेल में, कैसे करेंगे? तो हमने वही कॉपी पेस्ट वाला मेथड अपनाएंगे, हम यहां इसको कॉपी करते हैं, कहां है हमारा C17, हम इसके ऊपर ब्रैकेट में, ध्यान रखिएगा बुटमास मेथड की तरह से ब्रैकेट में कॉपी पेस्ट किया, इसको डिलीट कर देता हूं, फिर वापस हम C18 को कॉपी करते हैं और जहां पे C18 है वहां हमारा ब्रैकेट में पेस्ट हो जाता है। C18 है, ब्रैकेट में इसको डिलीट कर देता हूं, पर डिलीट करते हुए देखिएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट चेंज तो नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब कि आपने कुछ गलती किया है, फिर कंट्रोल जेड कीजिए और उस गलती को सुधारिए। कॉपी किया और जहां पे हमारा D17 है उसके जगह पे हमने D17 का फॉर्मूला पेस्ट किया ब्रैकेट को, इक्वल कॉपी मत कीजिएगा ध्यान रखिए, 18 को कॉपी करते हैं इक्वल के बाद से, एस्केप मार के बाहर आते हैं और जहां D18 है उसके जगह पे D18 का फॉर्मूला और यहां भी D18 के जगह पे D18 का फॉर्मूला, D18 को डिलीट किया। अब हम E17 को लेते हैं,
E17 के जगह पे E17 का फॉर्मूला, और जहां पे E17 है उसके जगह पर E17 की फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं। आफ्टर द डिलीट अगेन कॉपी, और यहां E18 के जगह पे ब्रैकेट में हम E18 का फॉर्मूला रखते हैं, यहां भी हमारा E18 है, इसके जगह पे हम इसका फॉर्मूला रखते हैं, करते हैं। फाइनली जहां हमारा F17 के फॉर्मूला को कॉपी करते हैं एंड F17 को पेस्ट करते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको कट करता हूं और यहां पे रख देता हूं। सुधीर जी, अरविंद जी, हेमा जी, क्या लग रहा है इतना लंबा फॉर्मूला लिख पाते हैं? नहीं, एक बार में तो बनाने में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बार में तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर बनाएंगे। हालांकि इसमें ये हम थोड़ा सा इजी एक बार क्या 10 बार में, मैं खुद इस पे एक्सपर्ट हूं, मैंने भी ट्राई किया था डायरेक्ट लिखने का विदाउट इस कट कॉपी मेथड का। हां मैं भी कंफ्यूज हो गया था। हां कंफ्यूजिंग तो जायज है, कंफ्यूजिंग होना सर। तो देखिए ये बता, इसको बोलते हैं फार्मूला मर्जिंग मेथड, और ये मेरा इजाद किया हुआ है, कोई आपको बताता है इसका मतलब कि मेरी वीडियो या मेरी क्लासेस की नकल की है सर। तो ये मेथड क्या है? मेथड ये है कि जब हम पहले कैलकुलेशन को स्प्लिट कीजिए, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर कैलकुलेशन हो आपका फॉर्मूला का, आप पहले उसको स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट करने के बाद अपना रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए, देन आपस में मर्ज कर दीजिए। तो आप एक साथ 10 20 50 फॉर्मूला भी होगा तो भी आप लिख देंगे, मतलब आपको फॉर्मूला 1 by 1 एंटर कीजिएगा तो आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। ओके चलिए, तो ये हमारा पहली कैटेगरी का था, अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर को पढ़ा, अब होता है लॉजिकल ऑपरेटर। जनरली आप लोग इफ यूज करते होंगे, हम उसी से रिलेटेड चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर होता है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। जैसे मुझे जब चेकआउट करना है कि क्या 50 से ऊपर है या नहीं, जनरली आप लोग इफ लगाते हैं, लेकिन जस्ट चेकआउट करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स आएगा। ओके ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन आप मुझे इस ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे कोई मैसेज चाहिए तो हम इफ का क्या होता है कि वो ट्रू को चेक करता है और ट्रू के जगह पे कोई और वैल्यू और फॉल्स के जगह पे कोई और वैल्यू को शो करता है। तो ट्रू बोलता है यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट चाहिए, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स, इसमें ट्रू एंड फॉल्स चाहिए होगा। इसके बाद वैल्यू ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो क्या आएगा, और वैल्यू फॉल्स, अगर फॉल्स हुआ तो क्या आएगा। ध्यान से देखिए, इफ के इस फॉर्मूले में पहला है कंडीशन जहां पे आप जस्ट ट्रू एंड फॉल्स एंटर करेंगे, और इसके बाद होता है कॉमा, ब्राइट हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखा क्योंकि हमें टेक्स्ट एंट्री करना है और फॉर्मूले के अंदर हमेशा हम टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में ही एंट्री करते हैं कि अगर यहां पे कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में हमने बोला कि ओके है ट्रू, अगर बी टू ट्रू है तो ओके शो करेगा, अदरवाइज पेंडिंग शो करेगा। तो आप लोग सोचते हैं सर हम तो ऐसे ही लगाते हैं, हम तो डायरेक्ट लगा देते हैं कि इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन ओके, अदरवाइज। तो यहां पे चीज जान लीजिए कि यहां आप कर रहे हैं कि आप दो फॉर्मूले को कंबाइन कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ, ये इंडिविजुअल है, यहां हम इफ में कंबाइन कर रहे हैं, आप इसको अकेले भी लगा सकते हैं। बस मुझे एग्जांपल बताने की यही एक मोटिव था। अब हम ये फॉर्मूले की बात करते हैं, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो आप इक्वल या प्लस से कर सकते हो,
हालांकि माइनस से भी किया जा सकता है फॉर्मूला, बट माइनस से रिजल्ट चेंज हो जाता है, सो डोंट यूज द माइनस, हम प्लस प्लस या इक्वल, जनरली हम इक्वल से करते हैं। इक्वल अब अपने इनिशियली लेटर लिखे फॉर्मूला का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसको सिलेक्ट करेंगे उसका डेफिनेशन मतलब एक यहाँ दिखेगा। मुझे फॉर्मूला सिलेक्ट करना है तो जस्ट प्रेस द टैब, ट्रैप को पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा और नीचे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सिंटैक्स, इसके कितने इनपुट्स है, तो इसके तीन इनपुट्स है। अब यहां पे गौर से देखिए कि लॉजिकल टेस्ट नॉर्मल है, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स में स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि इनपुट ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है उसको तो डालना ही पड़ेगा, उसके बगैर आपका फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा। अब मैं यहां पे अगर एंटर प्रेस करूं तो मेरा फॉर्मूला बाहर नहीं आ रहा है, सर बाहर ही नहीं आ रहा है। सो पहले हमें यहां देना पड़ेगा कि दैट इज इक्वल टू, ओके इक्वल टू 50, नंबर को इन्वर्टर को में डालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अब मैं वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स को ना भी डालूंगा तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, डालूंगा तो उसके रिकॉर्डिंग आएगा, और सिर्फ इफ की नहीं जितने भी फॉर्मूले हैं सब में ये सिस्टम लागू होता है। जैसे आप मान लीजिए वी लुकअप लगाया तो वी लुकअप में भी आपका लुकअप रेंज जो है लुकअप रेंज लुकअप जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में ऑप्शनल है। अब चलिए हम इफ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहां पे नेम लिखा हुआ है और नेम को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं और मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है ए टू जेड। अब मैं चाहता हूं हर नाम को सीक्वेंस नंबर दे, जैसे कि 1 2 अमित आगत अगेन 1 2, अब दो दो बार है कहीं पे तीन बार है तो 1 2 3 आ जाएगा, तीन बार नहीं है एक बार मैं तीन बार कर देता हूं, तीन चार बार कर देता हूं। जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए मुझे डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा, बगैर शॉर्ट नहीं होगा, बगैर शॉर्ट के लिए कोई और फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो यहां पे जस्ट हमने अप्लाई किया कि इफ सामने वाली वैल्यू इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 हो अदरवाइज 1 से सीक्वेंस शुरू हो जाए, एंटर किया नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो जैसे यहां देख रहे हैं नाम चेंज हो रहा है, यहां वैल्यू 1 से अगेन स्टार्ट हो जा रही है। तुम्हें क्या किया हुआ, सिंपल किया हुआ है कि इफ a2 इज इक्वल टू a1 तो v1 प्लस 1 अदरवाइज 1 स्टार्ट। अगर सीरियल नंबर की बात करें तो मैं एक डेटा एंट्री करता हूं जिसमें हमें देते हैं नेम, यहां पे सीरियल नंबर या आईडी मान लीजिए, आईडी नेम और बाकी एड्रेस वेड्रेस भी होता है। मैं चाहता हूं कि इनमें आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो, जैसे मैंने लिखा पूजा, मैं एंटर मारूं, मैं यहां पे जैसे नाम लिखा ओम तो ऑटोमेटिक यहां पे ट्रू आ जाना चाहिए। क्या करूंगा इसके लिए, इसलिए करूंगा कि इफ सामने वाले वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, हमने ग्रेटर देन 0 क्यों किया कि सिस्टम ब्लैंक सेल को 0 समझता है। जी हाँ, सेल अगर ब्लैंक है, सेल में कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स 0। तो f3 इज ग्रेटर देन 0 देन ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 हो जाए, नहीं तो ब्लैंक मतलब कुछ भी एंट्री ना हो, हमने इन्वर्टर को ओपन किया एंड क्लोज किया तो ये ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। अब यहां मैं दिया इंदर, उमेश, कविता, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं यहां पे एक कॉलम छोड़ दूंगा फिर एंट्री करूंगा तो यहां आप देखोगे कि वैल्यू होगी। वैल्यू क्यों हुआ,
हमने बोला ई सिक्स प्लस वन, हमने क्या बोला ई सिक्स प्लस वन, ई सिक्स क्या है ब्लैंक है, तो क्वेश्चन आता है ब्लैंक तो ए भी है, इसमें प्लस वन किया तो वन आया। लेकिन ये जो ब्लैंक है ये नॉर्मल ब्लैंक नहीं, फॉर्मूले से ब्लैंक किया गया है, मतलब कि इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा को ओपन एंड किया है, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट हो गया, एबीसीडी हो गया, इसलिए टेक्स्ट वाले फीचर में हमारा तरह की वैल्यू इंट्री नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यहां पे हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, बोलेंगे कि सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्स, हमने मैक्स में जो कि मैक्सिमम निकालता है उसमें हमने ई टू से ई टू कर दिया और प्लस वन कर दिया, अदरवाइज ब्लैंक, E2 से E2 प्लस E2। लेकिन इसमें एक ट्रिक होगा कि पहले वाले E2 को आप फ्रीज कर दें, फिर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो यहां पे सिक्वेंस, मतलब कि जो मैक्स है जहां पे कर्सर है जहां पे फॉर्मूला लग रहा है उससे अपने ऊपर वाली वैल्यू को ही मैक्सिमम निकालना है और प्लस कर रहा है। अब सीरियल नंबर की बात आई है तो मैं यहां पे एक काम और करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे टॉप, मैं चाहता हूं कि मेरा सीरियल नंबर जितना यहाँ पे दिया है उतना तक ही जनरेट हो। वन यहाँ पे मैनुअली लिखा और हमने बोला कि एफ ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है 10 से तो यहाँ पे ब्लैंक आए, अदरवाइज में प्लस वन कर दें। ध्यान कि H18 प्लस वन अगर ग्रेटर देन J3 है तो ब्लैंक करो करो, अदरवाइज अगर नहीं है तो H18 प्लस वन कर दो। लेकिन नीचे ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना होगा, फ्रीज क्यों करना होगा, क्योंकि जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि J3 हमारा J4 हो जाएगा, क्योंकि J3 हमारा फिक्स है, इसलिए हम ड्रैग करने से पहले उसमें आगे और पीछे डॉलर साइन लगा दूंगा, रो के आगे और कॉलम के आगे। इससे क्या होगा कि जब मैं ड्रैग करूंगा या पेस्ट करूंगा तो J3 हमारा फिक्स होगा J3। लेकिन यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि 10 के बाद एरर आएगा, आने का तरीका नतीजा वही है जो यहां हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर वाली वैल्यू में ब्लैंक है इसलिए वो ब्लैंक को प्लस वन नहीं कर पा रहा है। यहां का एरर जायज है, मैं चाहता हूं कि यहां पे मेरा फॉर्मूला एक संभावित लोकेशन तक लगा है लेकिन एरर शो ना हो, तो उस केस में इस पूरे फॉर्मूले को हम एक नई फॉर्मूले के साथ ऐड करेंगे, उसका नाम है इफ एरर। इफ एरर में हमने पूरा इफ का फॉर्मूला डाल दिया, देखिए मैं वन बाय वन कर रहा हूं, मैंने क्या किया डबल क्लिक किया इफ से आगे इफ एरर फॉर्मूले को लगाया और इफ जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे गया और ब्लैंक कर दिया। इफ एरर के अंदर में पहले पार्ट में हमारा एक इफ का फॉर्मूला आ गया और दूसरे पार्ट में हमारा इन्वर्टर कॉमा ओपन क्लोज हुआ जो कि ब्लैंक कहलाता है, मतलब कि अगर इफ ने रिजल्ट दिया तो इफ एरर रिजल्ट को शो करेगा, नहीं तो ब्लैंक को शो करेगा। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। अब यहां नंबर मैं 15 करता हूं तो यहां 15 तक आएगा, मैं 8 करता हूं तो 8 तक आएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं 5 to 20 करना चाहता हूं नंबर, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपने मैनुअल वन लिखा था उसके जगह पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब जो यहां देखिए 5 to 20 नंबर दिख रहा है। अब इसमें चलिए अगला जो टॉपिक हम बात कर रहे थे, हम नंबर्स पे बात कर रहे थे, मल्टीपल कंडीशंस पे बात करेंगे, मतलब कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन लगाने, जैसे कि मैं चाहता हूं कि 52
40 वाले को 500 का इंसेंटिव दो, लेकिन 52 80 वाले को। प्रॉब्लम क्या है कि एक इफ में आप एक कंडीशन ही लगा सकते हो, बट यहाँ मल्टीपल कंडीशन है ना, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, और दोनों रिक्वायर है, तो यहाँ पे हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड फॉर्मूला एक से ज्यादा कंडीशन अपने अंदर लेता है, बाकी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और वापस हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू 80। अब दोनों रिजल्ट ट्रू हुए तो एन हमारा ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इस ट्रू फॉल्स को अगर मैं इफ में डाल दूं, जाहिर सी बात है कि हमें अपना मनचाहा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसको एक अनोदर एग्जांपल में दिखाऊं, तो मैं काम करता हूं कि मेरे पास कुछ नंबर्स ऑफ नेम है, उनके मैंने स्कोर रखे हुए हैं सब्जेक्ट्स के। मैं तीन ही सब्जेक्ट रखता हूं, ज्यादा नहीं रखता हूं, तीन ही चार रख देता हूं, और मुझे यहां रिजल्ट शो कर। सब्जेक्ट का नियम है कि हर सब्जेक्ट में हमारे पास 30 नंबर चाहिए, अगर 30 नंबर नहीं है तो इट्स बंदा फेल है, हमें यहाँ पे 30 नंबर नहीं चाहिए। तो चेक करना है कि चारों सब्जेक्ट में 30 है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है, पर रिजल्ट एक ही है, इसके लिए हम यहाँ एंड लगाएंगे, और कंडीशन रिक्वायर है कि सारे के सारे कंडीशन होने ही चाहिए। हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कॉमा हमने दूसरा को सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, वापस हम इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा इसको हमने किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, आपके सामने एंड फॉल्स। हालांकि इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, काउंट इफ की फॉर्मूले से, हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो यहाँ पे काउंट आ जाता। और इसके बाद हम इफ में सिंपली लिखते हैं, इफ अगर ए इक्वल टू 4 है तो पास है, तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने एंड वाला मेथड यूज किया हुआ है। यहां पे पास कर देता हूं, अब यहां पे हमने एंड वाला मेथड यूज किया हुआ है, ये भी तो बोलेंगे ये तो सिंपल था, इसमें तो हमें मान लीजिए 10 सब्जेक्ट है तो 10 इनपुट करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम काउंट इफ वाले मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब मुझे सारे सब्जेक्ट का पासिंग मार्क 30 है, क्योंकि एक कंडीशन है। तो पता चला कि नहीं सब्जेक्ट वन का तो पासिंग मार्क 50 है तो या फिर 15 है, मतलब कि 100 नंबर का है 50 नंबर का है, 100 नंबर का है 50 नंबर का है, तो उस केस में हम इस वाले मेथड का काम नहीं कर सकते, हमें ये मेथड लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे इसका अपोजिट करना है, मान लीजिए कि आप आईडी प्रूफ मांग रहे हैं किसी से, तो आईडी प्रूफ में बोलते हैं कि भाई पैन होना चाहिए, बीएल होना चाहिए, बीएल होना चाहिए, यूआईडी होना चाहिए, आधार जिसको बोलते हैं, या पासपोर्ट होना चाहिए, ये चार में से कोई। तो आप यहां स्टेटस में कि भाई अब स्टेटस है हमारा, अब कोई बंदा आपको देगा तो जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे दे देंगे, कोई दो दे सकता है, कोई एक दे सकता है। तो आपका क्राइटेरिया है कि भाई इसमें से किसी एक में भी वाई लगाए, मतलब कि उसने दे दिया है तो अपना स्टेटस में वाई लिखेगा, वाई है तो यहाँ पे पास आए, अदरवाइज फेल आए।
करेंगे इसको हम, तो यहां पे हम और लगाएंगे, एंड की जरूरत नहीं है, एक ही कंडीशन चाहिए, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, यहां पे दैट इज इक्वल टू वाई, एंड में और में डाल दीजिए, ट्रू आ गया। अब यहां पे ट्रू फॉल्स को तो इफ लगा के आप ओके पे लेंगे, जो भी स्टेटस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें काउंट इफ वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है, वो आता है नेस्टेड इफ का। जैसे कि हमने यहां पे स्कोर सेल्स है हमारा, मान लीजिए कि स्कोर है, मुझे इस पे ग्रेड देना है, तो ग्रेड में यहां पे हमें 0 to 40 है, यहां पे 500, 41 to 100 है, 41 to 60 है तो 1000, 61 to 80 है तो 1500, 81 to 100 है, इसको यहाँ पे 2000 देना है, और ग्रेटर देन 100 पे 1000 देना है, 5000 का यहाँ पे इंसेंटिव देना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने देखा कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे हम देंगे इसका करते हैं, बोलते हैं अगर लेस देन इक्वल टू 40 तो यहां 500, एंड इफ हमने सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 60 है तो 1000, एंड इफ हमने इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1500, लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, अदरवाइज यहां से देखिए हम राइट डालते जा रहे हैं, यहां अगर ए टू पे 40 है तो यहां पे 500 टू हो, अदरवाइज ये सारा फिर हमने बोला कि अगर ऐसा ना हो, मान लो 40 ना हो, तो फिर दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, दूसरा चेक करेगा कि अगर यहां पे अगर 60 ना हो, 60 हो तो 1000 है, ना हो तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, तीसरा अगर अदरवाइज चौथे को फॉरवर्ड करेगा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। देखिए अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो फॉर्मूला होता है IFS, इफ में हमने सिलेक्ट किया लॉजिकल टेस्ट, अब यहां पे हम यहां पे लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट, हमने बोला कि लेस देन इक्वल टू 40 तो यहां पे 500, अब इसमें बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशन देते जाइए और रिजल्ट देते जाइए, 1000 देन इफ सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू है तो 1500, अगेन इफ हमने इसको सेलेक्ट किया लेस देन 100 है तो 2000, फिर वापस इफ किया हमने इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 100 है
सर वो बंद हो गया था। ऐसा हो तो यहाँ पे फिर एंटर नहीं, यहाँ इफ लगाने के, माफ कीजिएगा हम गलती से इफ लगा दिस लग गया, इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती है सर। क्या बार बार मैं नेस्टेड इफ यूज करता हूँ तो आदत बनी हुई है। ये हमारा इफ का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है एक्स और का। जैसे दो चीजें हैं, एक हमारा दिल्ली, हमने यहाँ पे मान लीजिए दो सिटी है दिल्ली और एक हमारा पुणे है। मैं चाहता हूं कि अगर यहां वाई हो तो यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, या तो वाई नहीं होना चाहिए। अगर हमने यहां वाई लिख दिया तो यहां ब्लैंक होना चाहिए। तो अगर आप इसको चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स और का। एक्स और क्या करता है, मुझे दो रिजल्ट में से एक वाई, एक रिजल्ट हमारा ए होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो इक्वल टू वाई हमने कर लिया और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू वाई। अब अगर इसको दोनों वाई मिलेंगे तो रिजल्ट देगा फॉल्स, और दोनों ब्लैंक मिलेंगे तो भी रिजल्ट देगा फॉल्स। कोई एक वाई होना चाहिए, चाहे पुणे हुआ होगा तो या दिल्ली होगा तो। अब बोलेंगे सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट होता है डेटा वैलिडेशन में। जी हाँ, डेटा वैलिडेशन। जैसे आप चाहते हैं कि भाई किसी का ए है, किसी का एक फॉर्म आप फिल किसी से करवा रहे हो, उसमें उसको ट्रांसफर चूज किया गया है, तो दो ऑप्शन आपने दिया है, दोनों में से कोई एक ही चूज करेगा। अगर उसने दिल्ली चूज कर लिया तो यहां पे एंट्री ना करेगा, अगर यहां अगर उसने पुणे चूज के लिया तो फिर दिल्ली में एंट्री में, एक ही चूज करना है दोनों नहीं। तो हम इसमें डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां डेटा वैलिडेशन लिस्ट कस्टम में, सॉरी कस्टम, और यहां पे हम दे देंगे फॉर्मूला एक्स, एक्स और में हमने यहां लिया और बोला इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई एंड हमने ओके कर दिया। कॉपी करता हूं और इन एक मिनट, एक छोटा सा दिक्कत है इसमें, हमने किया तो सही है बट हमने एज को फ्रीज नहीं किया। नहीं ये फॉर्मूला कॉपी नहीं, सही है सही है सही है। हाँ इसमें एज को फ्रीज करना होगा हमें, और इसमें हमें आई को फिनिश करना होगा। कॉपी कीजिए, पूरे एरिया को सेलेक्ट कीजिए जहां तक आपको चाहिए, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे कीजिए वैलिडेशन। अब मैं जैसे ही वहां पे वाई डालूंगा एंटर, नहीं लेने देगा, नहीं लेने दिया। अब मैंने यहां यहां पे वाई किया तो एंट्री एक्सेप्ट कर लिया, पर जैसे मैं यहां वाई एक्सेप्ट नहीं लिया। तो इस तरह से वैलिडेशन कर सकते हैं कि आप बाउंड कर सकते हैं दो में से कोई एक ही रिजल्ट ले सके। तो एक सॉर्ट को वहां होता है। तो यहां पे हमने अपना लॉजिकल कंडीशन फुलफिल कर लिया, माने इफ के जो रिजल्ट्स है वो हमने आपको बता दिया। अब अगला जो आता है वो आता है हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला, कि टेक्स्ट के ऊपर हम किस तरह से अपना कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। लेकिन ये चीजें हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, तब तक आप अपने तरफ से इफ के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि कोई डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन सेशन में पूछ सके। ओके सुधीर जी।